Assalamu alaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और आप जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज फोर्थ क्लास की, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 में हैं और उसके अंदर जो हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो खैबर पख्तूनख्वा की हिस्ट्री के हवाले से है। तो आज जो हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं वहाँ की पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ को। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ वर्कड फॉर पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ केपी। उनमें सबसे पहले कौन से हैं? खुशहाल खान खटक वॉज बॉर्न इन 1630 इन कोरा खटक। खुशहाल खान खटक जो है 1613 में कोरा खटक में पैदा हुए। ही वॉज अ वॉरियर, वो जंगजू थे, पोइट, शायर एंड द राइटर अदीब एट द सेम टाइम। यानी वो एक टाइम पे कितना कुछ थे, लाइक वो जंगजू भी थे, वो शायरी भी लिखते थे, उनका अदब से भी ताल्लुक था। और ही इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैन विथ स्वॉर्ड एंड पेन, और उन्हें जो है वो तलवार और कलम वाला आदमी भी कहा जाता था सेम टाइम पे। अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम, और अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। हिज फेमस बुक आर दीवान खुशहाल, बजनामा, दस्तारनामा एंड तिबनामा। यानी कि जो इनकी फेमस बुक्स थी उनमें ये सारी हैं, दीवान खुशहाल, बजनामा, दस्तरनामा एंड तिबनामा, वो काबिले गौर हैं। हाजी साहब तरंगजई वॉज बोर्न इन 1885 इन तरंगजई चारसद्दा। हाजी साहब जो थे वो 1885 में तरंगजई चारसद्दा में पैदा हुए। ही कैप्ट फाइटिंग विद मुजाहिदीन इन मोहम्मद एजेंसी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू आउट हिज लाइफ, और इन्होंने जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो मुजाहिदीन से जंग करने में लगा दी, और अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट इन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी। He also laid the foundation of Masjid in Peshawar Islamia College, और इन्होंने जो है पेशावर इस्लामिया कॉलेज में मस्जिद की बुनियाद रखी। He died in 1973, और ये 1973 में इन्होंने वफात पाई। आगे आ जाते हैं। खान अब्दुल गफार खान वॉज बॉर्न इन 1890 इन उत्मान जई चारसद्दा इन द हाउस ऑफ लैंड लॉर्ड बहराम खान, और ये जो थे उस टाइम के लैंडलॉर्ड बहुत अमीर ख़ानदान में जो है वो पैदा हुए चारसद्दा के। ही वॉज़ आ लेफ्टिनेंट इन ब्रिटिश आर्मी बट लेफ्ट दी आर्मी ऑन आ इंसल्ट ऑफ अ लोकल सोल्जर बाय अ ब्रिटिश ऑफिसर, और इन्होंने जो है वो आर्मी को छोड़ दिया, और जो है वो आर्मी को छोड़ के ये जो है वापस अपने कबीले की अपने घर की तरफ जो है वो आ गए। ही वॉज़ द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार मूवमेंट विच प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम ऑफ इंडो पाक, और इन्होंने जो है इस मूवमेंट का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जो कि बाद में इंडो पाक यानी जो बरसगीर के मुसलमान हैं उनके लिए बहुत मददगार साबित हुआ। He was known as Bacha Khan, और इनको जो है वो Bacha Khan के नाम से भी जाना जाता है। He died on 20th January 1988, और इन्होंने जो वफात पाई 20th January 1988 में पाई। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हैं सरदार अब्दुल रब नश्तर वॉज बॉर्न इन पेशावर इन 1899। सरदार अब्दुल रब नश्तर जो है वो पेशावर में 1899 में पैदा हुए। He was elected for the Legislative Assembly in 1937, और जो है ये Legislative Assembly में 1937 में जो है वो सेलेक्ट हुए। He was the close friend of the कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, ये भी कायद आज़म के बहुत करीबी दोस्त थे। He was an active worker of the Pakistan movement, और ये तहरीक पाकिस्तान के बहुत अहम रुकन भी थे। In the provincial government of the Muslim League in KP in 1943, he was the minister of treasury. और ये जो थे वजारत ख़जाना थे उस टाइम के 1943 में जो है वो मुस्लिम लीग जो थी उसके वजारत ख़जाना भी थे। After Pakistan came into being, he became the governor of province of Punjab. और जब पाकिस्तान जो है वो मार्ज़े वजूद में आ गया तो ये फिर पंजाब के गवर्नर अपॉइंट हुए। He died in 1958 and was buried in the courtyard of the tomb of the कायद-ए-आज़म in Karachi. और ये भी जो है वो कायद-ए-आज़म के जो कोर्ट यार्ड है उनका वहाँ पर दफन है उनके मज़ार में।
और जो है इन्होंने भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए अदा किया और आज भी जो है वो दुनिया इनको जानती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का भी ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।